हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। क्या ऐसे सात फूड है जो आपको खाना नहीं चाहिए, जिसके वजह से आपके एनर्जी लेवल्स है वो काफ़ी कम हो जाते हैं? ये आपको एनर्जी सिर्फ टेम्प्ररी रहता है, उसके बाद आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती और आप काफ़ी लो फील करते हैं, काफ़ी फैटिक फील करते हैं और आपको अपने बॉडी में एनर्जी नहीं रहते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा हर वीडियो में मैंने मेंशन किया है कि प्रोसेस फूड आपको नहीं खाने चाहिए। तो क्या ऐसे सात फूड है जो आपको नहीं खाने चाहिए? सबसे पहला आता है वाइट राइस, वाइट फ्लोर, पास्ता और ये सीरियल्स, ये सारे आपको नहीं खाने चाहिए। वाइट फ्लोर यानी कि मैदा आपको नहीं खाना चाहिए। तो वाइट फ्लोर यानी कि एक प्रोसेस्ड होता है, वाइट फ्लोर, वाइट ब्रेड, पास्ता, राइस, ये सब प्रोसेस होके आता है। जब ये प्रोसेस होके आता है तो इसमें जो राइस जो होता है और इसमें जो आउटर जो लेयर होता है उसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है। जो राइस का जो आउटर लेयर होता है तो उसमें जो हाई फाइबर कंटेंट है वो निकाल कर आता है, और वही जब फाइबर निकल कर आता है, जिसे हम ब्रान कहते हैं, तो वो फाइबर कंटेंट उसमें से निकल जाता है और प्रोसेस होके आता है। उसमें कुछ नहीं बचता है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचता है। और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट होता है, ब्रान के साथ एक जर्म भी पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट, ब्रान और जर्म निकलने की वजह से, जिसमें ब्रान में फाइबर होता है और जर्म उसमें होता है विटामिन बी रिच जो होता है, तो वो जर्म और ब्रान निकलने की वजह से फाइबर और विटामिन बी रिच जो न्यूट्रिएंट है वो साफ होकर निकल कर प्रोसेस होकर आते हैं, तो उसमें कुछ नहीं बचता है। तो इसके लिए वाइट राइस, वाइट ब्रेड, वाइट फ्लोर, ये जो है जो प्रोसेस होकर आते हैं तो अपने बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है और यही अपने बॉडी में नुकसान करता है। तो आपकी इंसुलिन लेवल और शुगर लेवल जो है वो बढ़ाता है, ज़्यादा स्पाइकअप करता है। तो सेकेंड चीज़ आती है एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक आपके स्लीप क्वालिटी को डिस्टर्ब करती है। स्लीप क्वालिटी अगर आपकी डिस्टर्ब होगी तो इसके साथ का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो एनर्जी ड्रिंक्स भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा हाई शुगर पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, जो आपके स्लीप क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। अगेन, मोर शुगर और कैफीन पाए जाने की वजह से ब्लड प्रेशर भी आपका इफेक्ट होता है, ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होता है। थर्ड थिंग आता है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी बेशक काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये न्यूरो डिजनरेटिव जो डिसीज है उनमें भी अच्छा काम करता है। कॉफ़ी आपके मूड क्वालिटी भी सुधारता है, लेकिन अगर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म में हम लेते हैं कोई भी चीज़, कॉफ़ी अगर दिन में एक से दो बार लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप दिन में चार या पाँच बार ज़्यादा लेते हैं तो ये आपकी स्लीप क्वालिटी को भी डिस्टर्ब करता है, जो कि अच्छा नहीं है। और स्लीप क्वालिटी अगर आपकी डिस्टर्ब होगी तो आपका नींद भी डिस्टर्ब होगा। फोर्थ आता है अल्कोहल। अल्कोहल भी आपको ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है, अल्कोहल से बहुत सारे नुकसान होते हैं। पांचवा आता है लो कैलोरी फूड। लो कैलोरी फूड लेने से क्या होता है कि उसमें तो न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है, कुछ चीज़ें आप खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, तो इसकी वजह से लो कैलोरी फूड में सिर्फ कुछ ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उसके साथ साथ आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं। जब आप ओनली लो कैलोरी फूड लेते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, जैसे कि आप फैट फ्री, बहुत सारे लोग डाइट फॉलो करते हैं तो फैट फ्री चीज़ें खाते हैं, तो अगर आपको फैट नहीं मिलेगा बॉडी में तो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। तो लो फूड कैलोरी जो लो कैलोरी वाले फूड होते हैं, अगर आप वो लेते हैं, लो कैलोरी फूड जो डाइट कर रहे हैं उसमें फ़ैट की कमी होती है, मान लो अगर आप फैट अवॉइड करके खाते हैं, लो कैलोरी वाले फूड खाते हैं, तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, फिर हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से भी आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं, तो वो भी आपके एनर्जी लेवल को काफ़ी ड्रॉप करने लगता है। और अब आता है वाइट सीरियल्स, यानी कि योगर्ट्स, फ्लेवर्ड योगर्ट्स और सीरियल्स। अगर आप योगर्ट फ्लेवर्स और सीरियल्स भी अगर लेते हैं तो वो भी आपके एनर्जी मूड को काफ़ी अफेक्ट करता है, आपका मूड भी काफ़ी स्विंग करता है। और वाइट सीरियल्स से कुछ नहीं होता, उसमें तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से आपका काफ़ी मूड ख़राब हो सकता है, यानी कि आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी होने लगती है, तो ये भी नहीं खाना चाहिए। और साथ में सबसे लास्ट आता है ये बाहर का प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, वो नहीं खाना चाहिए वो, क्योंकि वो सारा प्रोसेस्ड होता है। ट्रांसफेट फूड यानी कि पैकेट्स वाले फूड जो हैं वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, उसमें भी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी होती है।
तो ये जितने जितने सारे जो मैंने 7 फूड बताए हैं वो आपको अपने रूटीन में नहीं खाना चाहिए, जिससे आपका एनर्जी लेवल काफ़ी ड्रॉप होता है। और इसके भी और मैंने बताया था कि स्लीप क्वालिटी अगर आपका अच्छा नहीं होगा, आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे, आपका अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, रूटीन आपका अच्छा नहीं है, तो इससे भी आपका एनर्जी लो रहेगा। या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपकी फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है पूरे दिन के दौरान, तो इससे भी आपका एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छे नहीं रहेंगे आपके बॉडी में। तो एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आपको लाइफस्टाइल थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी और गुड स्लीप लेना है। 7 से 8 घंटे आपको सोना है और अच्छी नींद, गहरी नींद लेना है ताकि आप फ्रेश फील कर सकें। तो इसी के साथ स्टे फिट स्टे फिट।